हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से मेरे और एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है गाइस दिन का, और मैं अभी खा सब्जी बना रही हूँ। भात मेरा बन चुका है और लेट हो गया आज भी। ये लकड़ी चूल्हा में जलाते जलाते आज भी लेट हो गया खाना बनाने में। तो ये देखो गाइस, सब्जी बना रही हूँ मैं। क्या सब्जी बना रही हूँ, अभी भात मेरा पक चुका है तो ये धुआं निकल रहा है गाइस। तो ये वाला सब्जी मैं बना रही हूँ गाइस, आलू बैंगन और वो क्या कहते हैं उसको जो लंबा लंबा रहता है, बरबट्टी कहती हूँ मैं उसको। उसका नाम क्या, झुलंग झुड़ंग उड़िया में झुड़ंग ऐसे कहते हैं, और हिंदी में नहीं मालूम उसका नाम। तो ये वाला सब्जी बन रहा है मेरा। कल डालमा बनाई थी और आज ये वाला सब्जी। आज एक ही सब्जी बनेगा गाइस और दो सब्जी नहीं बनेगा। और टाइम भी हो गया है, एक बज गया। अभी वो भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए, तो मैं इसको पानी डाल देती हूँ गाइस। और यहाँ पे सोया बड़ी रखी हूँ, इसको भी वहाँ पे मिलाऊँगी। ये देखो गाइस, सब्जी बन चुका है मेरा। अभी इसको उतार दूँगी और उनके लिए खाना निकाल दूंगी। चलो हो गया मेरा, खाना उना निकाल देती हूँ उनके लिए। भात निकाल लेती हूँ गाइस। मेरे लिए 2 टमाटर पुड़ा देती हूँ गाइस। टमाटर का आज पुड़ा बनाऊंगी, थोड़ा चटनी। वो खाली भात बनाई हूँ, मतलब एक ही सब्जी बनाई हूँ आज और कुछ नहीं बनाई। एक गैस नहीं, मतलब लकड़ी चूल्हा में लकड़ी भी ख़त्म हो गया, फिर लाना पड़ेगा। आलू पूरा मस्त मस्त लगता है, लेकिन आलू एक आलू दे देने से भी होता। फोन किए थे हैं? नहीं किए क्यों? अंधेरा अंधेरा। देखो गाइस, टमाटर का सलाट इधर अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, क्या क्यों फोन नहीं किए? यहाँ पे एक स्लैब बनेगा बोल रहे थे, यहाँ पे बैठ के खाना खाने से चारों तरफ दिखाई दे। ऐसे मैं झाड़ू लाना भूल गई, वो वाला झाड़ू। गाइस देखो यहाँ का नज़ारा दिन का। यहाँ छोटा छोटा कटहल हुआ है, यहाँ कुत्ता सब हाँ कीड़ा खा जा रहा है ना। क्यों, पानी नहीं है इसीलिए कि? ये देखो गाइस, कटहल हो रहा था फिर कीड़ा खा गया। कीड़ा खाता है कि उसको? उधर भी छोटा हो रहा था दो गो तो सड़ गया, छोटा छोटा हो रहा था खराब हो गया। और उधर बहुत उधर भी अंदर बहुत सारा है कटहल का पेड़, पता नहीं। हाँ तो उनका भी पेड़ कहाँ है? ये तो ना एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई 1:30 हो रहा है गाइस, और ये खाना खा रहे हैं। प्रभु, ये घर से वो घर, ये घर बाहर से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, घूम घूम के गाइस मेरा हजम हो जाता है खाना सब। और आजकल मैं सुबह एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो पार्क में मेरे पेट को कम करने के लिए
पेट बड़ा रहने से ना, ड्रेस पहनने से पेट बड़ा बड़ा दिखता है। उसको आलू को ना, आधा पका हुआ आलू को, मतलब आलू को मेरे पिताजी ऐसे करते थे, मेरे को बहुत खाते थे वो, मेरे को मालूम है। ऐसे आधा 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 पका देंगे आलू को, ऐसे आग में चूल्हा में लग करके आधा पका देंगे, और उसको गोल गोल काट के फिर सरसों का तेल और एक लहसुन और सूखा वाला मिर्ची देते थे, वो सूखा वाला लाल मिर्ची जो नहीं, उसको पुड़ा के ऐसे देते थे। लेकिन मैं तो कच्चा मिर्च हरा मिर्चा देती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत खाती थी गाइस पहले। हमारे घर में पूरा झाल, इतना झाल मेरी माँ, और मिर्चा मिर्चा पूरा कूट के पूरा रखते थे डब्बा में भर के। मिर्चा जो लाल मिर्च होता है पाउडर बना के उसको डब्बा में भर के रखते थे, और मैं बहुत खाती थी। फिर ना पेट इतना जलता था, और बचपन में, और फिर अभी तक ऐसे हो, 2016 से मैं पूरा कंट्रोल की अपने आप को और सूखा मिर्चा खाना छोड़ दी। उसी दिन से थोड़ा सा मेरा पेट ठीक है, नहीं तो पेट का प्रॉब्लम हो जाता था। हम लोग भी खाना उना खाएंगे गाइस। हिजबा तो ये देखो टमाटर, और ये आलू का लो, और ये मेरा टमाटर चटनी, और ये सब्जी, और ये भात। अच्छा लगेगा गाइस खाने में। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है कितना, दो दो नहीं बजा है गाइस, बजने वाला है। और अभी खाना खा रहे हैं हम दोनों, आलोक और मैं अभी खा रहे हैं खाना। गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम 5:30, 6 बजने वाला है। तो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा मार्केट में, तो क्या खरीदूँगी क्या नहीं मेरा कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब क्यों समझ में नहीं आता है ना गाइस, मेरा बहुत सारा चीज़ खरीदने का मन करता है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं रहता है इसीलिए। तो मेरी माँ बोली थी, कल फ़ोन की थी कल शाम को, और बोल दी थी वो खरीदना है साड़ी दीपू के लिए, और मेरी बड़ी वाली भाभी के लिए गिफ्ट देगी, तो साड़ी खरीद के भेज देना बोल रही थी। लेकिन अभी मैं दिन में नहीं आ पाई, दिन में बहुत सारा काम था और मैं मार्केट जा नहीं पाई, इसीलिए अभी शाम को आ रही हूँ। और दीपू को फ़ोन लगा रही हूँ तो दीपू फ़ोन भी नहीं उठा रही है, तो क्या करूँगी क्या नहीं सोच रही हूँ गाइस। और अभी जा रही हूँ, देखती हूँ, अगर वो लोग फ़ोन उठाएंगे तो फिर मैं फ़ोन करूँगी और पूछूँगी। और दीपू झिरपानी आई है लेकिन मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रही, तो फिर मैं खरीदूँगी, क्या क्या खरीदती हूँ क्या करती हूँ मैं दिखा दूँगी आप सबको, ठीक है गाइस। यहाँ पे होता मस्त है, यहाँ यहाँ देखो रेस्टोरेंट, बैठने का मस्त है।
और इधर भी बनाए हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ सब नॉन वेज का मिलता है गाइस, और मैं तो खाती नहीं हूँ चिकन फिकन। गाइस मैं नेसी मार्केट जाने वाली थी हम लोग का, लेकिन क्या हुआ ना, वो दीपू आई है झीरपानी, फिर वो फ़ोन रिसीव की मेरा, तो यहाँ पे है दुकान में, मेरे को बोली आओ, तो अभी जा रही हूँ। ए दुकान, तो फिर जा रही हूँ गाइस। सब कोई फूल गुलदस्ता है यहाँ पे, देखना कितना सुंदर सुंदर गुलाब का फूल है। अरे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन वो दीपू कहाँ है पता नहीं, मैं फिर देखती हूँ, फ़ोन करती हूँ। ये झीरपानी देखो गाइस, हमारी तीती यहाँ पे समोसा खा खा के बैठी है। ये गोरीटा, ये भी गोरीटा, दु जन कौटा कहा पाई भल लगे के दीदी के देदेब पिंकटा कहब फिर से कलर ये पिंक है देखा बीजे ये कलर टा बेसी बहुत लागु छै ने देखो कोटा बहुत लागु छै कोले केते तबे केते कहू छै दुटा मिसै छै ना ठीक ठीक रेट बता देखो रे तिथि किमिति काम दु छै किमिति दिख के जाउ छै ले ये असे टी शर्ट गुडा केते त ना किमिति देखा जाउ छै। तो देखो गाइस अभी हम लोग खरीद चुके हैं, स्वर्ण कहाँ गया पता नहीं। तो अभी जाएंगे, ये वाला आए थे, बहुत सब कुछ यहाँ पे मिलता है गाइस, मतलब जेंट्स का भी मिल रहा मिलता है, और लेडीज़ का भी, बच्चा का भी, साड़ी सब कुछ मिलता है यहाँ पे अच्छा। ये वाला दुकान में आना आप लोग, झीरपानी जगन्नाथ टेम्पल के सामने, एटी जगन्नाथ मंदिर परा सेटा मंदिर एटा जगन्नाथ जगन्नाथ ठाकुर एठी अछंती एटा काडिया हां एठी तो काडिया ठाकुर ठाकाडिया ठाकुर तुम पागलटा की को बागसी हां। गाइस मैं आ गई और दीपू सब चले गए, तो जा रही हूं अभी। और गाइस आज ना हम लोग को कहाँ जाना है मालूम है, आज अचानक से प्रोग्राम बन गया गाइस, हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि नहीं, सोच सोच के लास्ट में ये बोल रहे हैं कि हाँ जाएंगे, तो प्रोग्राम बन गया। तो मैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, आप सबको मैं जाऊंगी तो फिर दिखा दूंगी गाइस, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल घर चलती हूँ जल्दी से। देखा ही नहीं जा रहा है, तो गाइस हम लोग कहाँ जाने वाले थे, बोल रही थी कि जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं गाइस पूरी जगन्नाथ दर्शन के लिए, और अभी अचानक से ही प्रोग्राम बनाए हैं हम लोग, और तो अभी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये है रालकुआ स्टेशन में है, टिकट विकेट भी कुछ नहीं किए हैं, वहाँ पे जाके करेंगे, गाड़ी है कि नहीं है नहीं मालूम नहीं, वहाँ पे जाएंगे देखेंगे क्या होता है, अगर होगा तो जाएंगे तो फाइनली दिखाएंगे, मतलब जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये मालूम नहीं था, इसीलिए आप सबको नहीं बताया थे पहले। तो पहुँच लेते हैं गाइस रालकुआ स्टेशन, पहुँच गए हैं, और फिर टिकट विकेट के बारे में देखते हैं, पूछते हैं गाड़ी कितना बजे है कितना बजे नहीं, और फिर जाएंगे। गाइस फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, और कहाँ बैठेंगे, ठीक कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1826 पूरी राउरकेला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थोड़ी ही देर में आएगी। क्यों रेडी
attention please. Train number 1826 Puri Rourkela Express will arrive shortly on platform number 2. गाइस हम लोग स्टेशन में बैठे हैं प्लेटफॉर्म में. क्या हुआ ना, पूरी वाला गाड़ी जो था चला गया, नहीं मिला हम लोग को. तो हम लोग का भुवनेश्वर जाने वाला गाड़ी मिला. भुवनेश्वर जाएंगे यहाँ से, फिर वहाँ से फिर ट्रेन चेंज करेंगे और पूरी के लिए निकलेंगे. तो अभी बैठे हैं गाइस, कब आएगा ट्रेन तो पता नहीं, कब गाड़ी लगेगा. और जब लगेगा तो हम लोग बैठ जाएंगे तो दिखा दूँगी. और मोबाइल रख कैसे दिखाई दे रहे, और मैं मोबाइल अभी रख दूंगी गाइस. क्या हुआ ना, डर लगता है ना गाइस, कोई अगर हाथ से छीन लेगा तो फिर, इसीलिए अभी मोबाइल रख दूंगी. जब गाड़ी में बैठ जाएंगे तो मैं दिखा दूंगी, ठीक है. गाइस ट्रेन चल गया और अभी हम लोग जा रहे हैं. देखो दूर से शिवरात्रि गुड नाइट. और बाकी सब कल पहुंचेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या नहीं, कैसे दर्शन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा. फिर मिलती हूँ और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट. अभी गुड नाइट बोल दो.